माननीय मुख्यमंत्री जी, जी अस्सलाम वालेकुम। कल ईद का त्योहार था और कल रक्षाबंधन भी है, तो इस लिहाज से मैं आपसे ईदी और रक्षाबंधन का उपहार दोनों मांगने आई हूँ। बहुत बढ़िया। मैं शांतना नगीना मेवात की रहने वाली हूँ। मैं बीपीएस महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला से बीएमएस की शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ, जो कि यहाँ से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मेवात की महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेवात में अभी लड़कियों की शिक्षा पर बहुत काम करना बाकी है। हमारे यहाँ पर लड़कियों को एक दायरे में रहकर ही पढ़ने की इजाजत दी जाती है। कम विकसित होने के कारण और आमदनी भी कम होने के कारण दूर स्थित सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ पर लड़कियों के लिए केवल दो ही सरकारी कॉलेज हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सरकार मेवात में लड़कियों के लिए कॉलेज ही नहीं विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास करे, ताकि लड़कियों को ना केवल डिग्री कोर्सेज बल्कि प्रोफेशनल कोर्सेज की भी शिक्षा ग्रहण हो सके। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए लड़के नहीं लड़कियों दोनों का शिक्षा उत्थान होना जरूरी है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे जरिए से रखी गई मेवात की बात पर गौर फरमाया जाए। शुक्रिया। शायन खान बहन, बहुत सा आपने एक अच्छा विषय आज के इस कार्यक्रम में पूछा है। जो नू जिला है, जिसको मेवात जिला भी कहते हैं, ये हरियाणा का एक पिछड़ा जिला है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। और इस पर ध्यान केवल हमारा ही नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी का भी इस पर ध्यान है, क्योंकि देश के अंदर जो 115 जिलों की एक लिस्ट बनाई गई है, जो जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहा गया है, उसमें नूह भी एक है। जब इसकी सूची 2 साल पहले घोषित हुई थी, तो हमारा स्थान इसमें बहुत आखिर में आ रहा था, लेकिन इन सब डिस्ट्रिक्ट में स्टेट की गवर्नमेंट ने, प्रदेश सरकार ने काम करने थे। उसमें हमने शिक्षा पर भी काम किया, स्वास्थ्य पर भी काम किया, रोजगार पर भी किया, ऐसी बहुत व्यवस्थाएं ये हमने उसमें चालू की। परिणाम स्वरूप शिक्षा तो नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में उन सब 115 जिलों के अंदर हमारा स्थान पहला स्थान भी हुआ बीच में। हालांकि ये जो असेसमेंट है, ये हर महीने होती है, महीने के महीने दर्जा प्राप्त होता है, तो बीच में एक समय ऐसा भी आया कि सारी व्यवस्थाओं पर हमको परिवर्तन का जो दर है वो पहला भी मिला है, हमें इसका संतोष है। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा में भी हमने शिक्षा के संस्थान तो बहुत बनाए हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, लेकिन वहां की ड्रॉपआउट की दर ये बहुत ज्यादा थी, खास करके लड़कियों की। वहां के समाज में भी पढ़ाने का जो एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, उनकी जो रुचि बननी चाहिए, उसमें भी पैदा करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को पढ़ाएं, और खास करके जो आज की शिक्षा है इसके अंदर उनको भेजें। कुछ वहां के रूढ़िवादी लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूलों में अथवा प्राइवेट स्कूल जो आज की शिक्षा दे रहे हैं, उसकी बजाय मदरसों में भेजने की एक व्यवस्था बनी रहती है। भेजें, मदरसों में शिक्षा कराएं, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन मदरसों के साथ साथ जो आज आधुनिक शिक्षा जिसकी जरूरत है, जिसमें विज्ञान भी है, जिसमें मेथड भी है, जिसमें इंग्लिश भी है, जिसमें बाकी भाषाएं भी हैं, और जो सोशल यानी इश्यूज हैं, उनको ध्यान में करते हुए इन विषयों पर भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। स्कूलों की संख्या हमारी पर्याप्त है, वहां पर मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से स्कूलों के अंदर शिक्षा दी जा रही है। वहां मेडिकल कॉलेज भी, जैसा आपने देखा, वहां पर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी वहां पर है, तो शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसा आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी बताया, एक कॉलेज जो 10 मैंने कल घोषणा करने हैं, उसमें एक कॉलेज फिरोजपुर झिरका, एक प्राइवेट कॉलेज वहां पहले से है, लेकिन सरकारी स्कूल फिरोजपुर झिरका में भी कल उसकी घोषणा हो जाएगी, बहुत जल्दी उसका भी हम काम शुरू कर देंगे। तो हम चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, वहां का विकास, वहां पानी की समस्याएं बहुत है, उस समस्या को कैसे हल करना, वहां अपराध वृत्ति भी ज्यादा है, उसको भी ठीक करना, क्योंकि मेवात जिला हमारे सब जिलों में थोड़ा पीछे है, इसको कैसे मुख्य धारा में लाना। आज प्रति व्यक्ति आय हमारी मेवात की, नू जिले की, सबसे कम है। पास लगता, सीमाएं लगती हैं गुड़गांव जिला, उसकी हरियाणा में सबसे ज्यादा है, तो दोनों कंट्रास्ट हैं। इसको दूर करने के लिए हमने वहां यंग ऑफिसर भेजे हैं। अब वहां चूंकि कठिनाइयां काफी पहले से लोगों को आती थी, तो जो सरकारी कर्मचारी वो वहां जाता नहीं था, आज सरकारी कर्मचारी भी वहां जाने लगे हैं। शिक्षा विभाग में तो हमने ये कहा कि जो वहां जाकर नौकरी करेगा उसको 10% हम ज्यादा तनख्वाह देंगे,
यानी नूह जिले में नौकरी करने वाले को हरियाणा का कहीं का जो व्यक्ति वहां जाता है उसको 10% सैलरी ज्यादा देते हैं ताकि वहां जाकर के रुचि से पढ़ाए। और वहां पर अब मुझे संतोष इस बात का है कि बहुत लोग नौकरियों में आने लग गए हैं। पिछले दिनों में क्लर्क से नौकरी लगी तभी वहां आ गए, जूनियर इंजीनियर वो वहां आए हैं। तो ऐसी सब नौकरियों में मेवात का प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये और आगे कैसे बढ़े इसकी चिंता जैसे आपने की हम भी कर रहे हैं। उसमें मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य और अनीमिया जैसी जो बीमारियां हैं वहाँ बच्चों और महिलाओं में ज़्यादा हैं, उनको भी अनीमिया की कमी है उसको दूर करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि नूह जिला बहुत जल्दी हरियाणा के सभी जिलों के बराबर मुख्यधारा में आ जाएगा।